हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस आ चुके हैं एक और नई गेम प्ले वीडियो के साथ, और ये वाला गेम प्ले वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि हमारे इसमें 19 किल हो जाते हैं देखते ही देखते। और ये सोलो स्क्वाड मैच है और भाई इस मैच में बहुत तबाही होने वाली है। बैक टू बैक स्क्वाड मेरे पर रश करेगी और भाई मैं बचता रहता हूँ। तो फिलहाल गाइस हम उतर चुके हैं स्टेडियम, और स्टेडियम में काफ़ी सारे स्क्वाड्स आती हैं और उतरते ही मुझे MP5 की मिल जाती है। तो भाई देखो यार कैसे भरते हैं इस बंदे को। जैसे मैं इसे नॉक कर देता हूँ, नीचे से मेरे को साउंड आता है भाई इनका एक बंदा मुझे लगता है लूट कर रहा है। तो भाई मैं नीचे तुरंत रश कर देता हूँ और भाई मेरी प्रिडिक्शन बिल्कुल सही होती है। अब यहाँ पे मैं दोनों को फिनिश करूँगा। इन दोनों को फिनिश करने के बाद इनके दो टीममेट अभी बचे हुए थे जो कि अभी स्टेडियम में ही हैं। अब यहाँ पे गए इसमें लूट कर देता हूँ। और भाई आपको भी साउंड आए क्या होगा एस्टोलके का। मैं थोड़ा सा फॉल बैक कर जाता हूँ कि भाई एस्टोलके वाला भाई रश कर देगा तो भाई दिक्कत हो जाएगी, कि भाई ये आपको तो पता है आजकल स्टॉल के आगे कोई गन नहीं टिक पाती जल्दी। अब भाई फुटस्टेप के साउंड तो वैसे आपको भी आ गए होंगे, और ये स्टॉल के वाला बंदा भाई मेरे पे ही डायरेक्ट पुश कर देता है। तो देखो यार कैसे मारते हैं इसको। और भाई मैं इसके मुंह पे बिल्कुल जाके सट जाता हूँ क्योंकि भाई पता है यार आप भी ये कर सकते हो, अगर स्टॉल के वाला है वो कोई तो उसके एकदम चिपक जाओ, उसका एम बिगड़ जाएगा तो जल्दी वो आपको नहीं मार पाएगा, बहुत सारे चांसेस रहेंगे कि आप बच जाओ। अब भाई स्टॉलके वाले को तो मार चुके हैं जैसे तैसे हम। अब बारी होती है इसके लास्ट टीममेट की जो कि स्टेडियम में होता है। तो फुटस्टेप के साउंड तो आपको आ ही गए होंगे। अब यहाँ पे गाइस मैं लूट कर रहा था तभी वो पुश कर जाता है बंदा इनका लास्ट। भाई पर ये क्या ही मासूम बंदा था। ये बंदे का तो भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आया यार, ये अंदर कुछ तो पता नहीं इधर उधर कहीं भी हमसे स्टील चला के खड़े हो गया एक जगह पे। तो भाई इसे इजीली निपटा देते हैं इसे। वैसे इसकी मासूमियत देखते हुए आप लाइक ज़रूर कर देना यार। एक स्टेडियम में तो दो स्क्वाड्स आती है गाइस, लेकिन एक स्क्वाड भाग जाती है। तो भाई यार बॉट को निपटा देते हैं। तो यहाँ पर स्टेडियम में दो स्क्वाड्स आई हुई होती हैं, एक स्क्वाड तो तुम्हारा भाई निपटा देता है और एक स्क्वाड मुझे लगता है भाग जाती है या क्या होता है भाई मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है। अब भाई मुझे यहाँ पे AKM का साउंड आता है, आपको भी आया क्या होगा अपार्टमेंट की साइड से। तो भाई मैं अपार्टमेंट की साइड में चला जाता हूँ और यहाँ पे एक पता नहीं क्या ऑफलाइन बंदा मुझे दिखता है शैक पे। तो भाई इसे निपटा देते हैं। ये बंदा क्या ही कर रहा था यार, एक जगह पे खड़ा हुआ था, पता नहीं लूट कर रहा होगा भाई, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया यहाँ पर क्या कर रहा था ये। अब उसकी क्रेट लूटने के बाद मैं गाड़ी के पास जा ही रहा था कि इधर से आपको भी आ ही गया होगा, इधर साउंड आ रहा है, मैंने बहुत सारी फायरिंग हो रही है। तो भाई थर्ड पार्टी करने जाते हैं कार से, अब यहाँ पे चल देता है तुम्हारा भाई फुल स्पीड डैश में थर्ड पार्टी करने। और भाई देखो यार एक को तो मैं कार से डाउन कर देता हूँ और एक बार कार राउंड करके एक और मार देता हूँ। अब बचते इनके दो बंदे और भाई देखो यार मैं पुश कर देता हूँ इनके ऊपर। यहाँ पे गाइस तीन नॉक कर चुका हूँ। तो और ये भाई बॉट बहुत परेशान करते हैं इस टाइम पर, जैसे इंटेंस फाइट होती है यहाँ पर मैं बॉट मार रहा होता हूँ तभी वो बंदा देखो यार पुश कर जाता है मेरे ऊपर, इनका लास्ट बंदा। और भाई इसी के साथ ये वाली पूरी स्क्वाड खत्म हो जाती है। तो भाई यार बॉट बहुत परेशान कर रहा था तो भाई इसे फिनिश कर देना। देखो यार क्या ही थर्ड पार्टी होती है मेरे ऊपर। अब गाइस ये टोटल चार बंदे थे तो भाई मेरी हील भी कम थी और मेरे पे बिल्कुल हीलिंग नहीं थी। यहाँ पे हीलिंग चेक करके भाई कुछ भी नहीं मिलता और मैं यहाँ पे TPP लेने चला जाता हूँ। तो गाइस यार आप इन्जॉय करो यार, देखो यार कैसे मारते हैं इन चार बंदों को। और भाई इसी के साथ पूरी की पूरी स्क्वाड साहब भाई थर्ड पार्टी करने आए थे और भाई इनका थर्ड पार्टी निकाल दिया। तो गाइस इस वाले क्लच के लिए यार एक लाइक तो बनता है, तो यार छोटा सा एक लाइक कर देना आप लोग, और चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता और लाइक करने में कुछ नहीं जाता, तो यार लाइक एंड सब्सक्राइब दोनों कर देना। तुम्हारा भाई ऐसी और गेम प्ले वीडियो लाता रहता है। अब इनकी क्रेट लूटने के बाद मैं कार लेके निकल लेता हूँ और सेंटर में, कि भाई और किल सही होते हैं मुझे। अब यहाँ पे गाइस सात बंदे बचे हुए होते हैं। अब यहाँ पे गाइस मैं डिसाइड करता हूँ कि जाके कंपाउंड में होल्ड कर लूँ क्योंकि भाई मैं अकेला बंदा हूँ, चार बंदे भाई पैसे रस नहीं कर सकते चार बंदों पर अचानक। और भाई अपने पीछे तो देख ही लिया होगा कि भाई एक और कार आ रही है हमारे पीछे और हमारा रेड जोन तो पीछा छोड़ ही नहीं रहा है बिल्कुल। अब यहाँ पर मैं गाड़ी अपनी साइड में लगा देता हूँ क्योंकि भाई सोलो स्क्वाड में कार काम आ सकती है। तो भाई आपको भी देखो साउंड आ ही गया होगा, बाइक का साउंड आता है और भाई वो फुल स्पीड आते हैं, फुल स्पीड चले जाते हैं और मैं थोड़ा इधर बॉट फायर देता हूँ कि शायद वो वापस आ जाएं, और भाई वो वापस आते भी हैं। और देखो यार वो वापस आ गए।
और स्प्रे मारने का ट्राई करूँगा। और भाई एक को तो मैं काफ़ी लो कर देता हूँ और मैं सीधा चला जाता हूँ भाई ने ढूंढने कार लेके। अब यहाँ पे रेड जोन भी था और रेड जोन में जाना बहुत रिस्की हो सकता था, लेकिन भाई मैंने इतना लो जो किया था। तो भाई देखो अपने भाई की किल की बुक, सीधा रेड जोन में भी जा रहा है बंदे को ढूंढने। और भाई इधर कार इधर उधर रचाता रहता हूँ, लेकिन भाई वो बंदे पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, वो बंदे मुझे लास्ट में मिलेंगे। फिलहाल तुम्हारे भाई को एक बॉट स्पॉट हो चुका है स्टेडियम में, तो भाई यार उसे भी भर देंगे। अब इस बॉट को मारने के बाद मैं निकल लेता हूँ सीधा और बंदे मारने। अब यहाँ पे गाइस मैं डिसाइड करता हूँ कि इस वाले घर पे रुका जाए, क्योंकि भाई ये बहुत अच्छी पोजीशन हो सकती थी मेरे लिए, सोलो वर्सेस स्क्वाड में बहुत काम आएगी ये पोजीशन, क्योंकि भाई इस घर के बगल में ड्रॉप भी गिरा हुआ है और भाई बंदे आने के बहुत सारे चांसेस हैं। और इधर उधर मैं बंदे स्पॉट करने की ट्राई कर रहा था कि कहीं भाई कोई दिख जाए और स्प्रे मार दिया जाए, और भाई तभी मेरे को पीछे मार खाता है फायरिंग का। और भाई इस बंदे को तो बहुत इजीली निपटा देता हूँ मैं। अब इसका एक और टीममेट ओपन में आता है और भाई इसे मैं काफ़ी लो कर चुका था, और तभी भाई मेरे पे एक बंदा पुश कर जाता है थ्री व्हीलर लेके। तो देखो भाई कैसे निपटाते हैं इसे। और भाई इस बंदे को तुम्हारा भाई बहुत इजीली मार देता है, लेकिन भाई मैं इसे खो चुका था और भाई मैं इसे बहुत इजीली भर देता हूँ। आप जहाँ पे मैंने कुछ टाइम पहले स्प्रे दिया था, एक M4 से नॉक किया था और एक वन स्पी किया था, आपको तो याद होगा, वहाँ पे एक बंदा क्रोजा चला रहा था, तो भाई अब मेरे को अलर्ट रहना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं लूट वूट कर लेता हूँ आराम से। अब यहाँ पे 1v3 सिचुएशन होती है, तो गाइस यार देखो यार कैसे क्या ही मारते हैं बंदों को। वैसे एक को तो मैं नॉक कर चुका होता हूँ और एक 1 HP होता है बिल्कुल, और ये लास्ट बंदा बचा हुआ होता है, तो भाई इसके ऊपर पहले मैं मॉली कर देता हूँ और भाई थोड़ा राइट से मैं फ्लैंक भी कर जाता हूँ। और इसी के साथ लास्ट बंदा भी मारा जाता है और अपने 19 किल चिकन हो जाते हैं। गाइस कैसी लगी है आज की गेम प्ले वीडियो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताना। तुम्हारा भाई ऐसे गेम प्ले वीडियो रोज डालता रहता है, तो गाइस यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।